हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं ज्ञान रिपेयरिंग। दोस्तों, ये 45 वाट का एक इन्वर्टर किट है। ये मुझे बाज़ार में मुझे 300 रुपये में मिला है और इसका फुल कनेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे और ये सर्किट कितना वोल्ट से ऑपरेट होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये 45 वाट का एक इन्वर्टर किट है और इसमें आपको ये दो दो तार है। ये 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज देना पड़ता है और ये जो वायर है यहाँ पर एक स्विच कनेक्शन किया है। देखिए, मैंने एक स्विच कनेक्शन किया है। ये इस इन्वर्टर के लिए ऑन ऑफ के लिए काम करेगा और इसमें आपको 3 वायर मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये जो रिले है, देखिए ये रिले में आपको 3 वायर मिलेगा। देखिए, ये फर्स्ट वाला जो रेड वाला वायर है ये कॉमन है और ये लोड के लिए और ये एसी इनपुट देने के लिए। ठीक है, ये किस तरह से कनेक्शन होगा वो भी आपको मैं फुल जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 3 LED मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसमें जो फर्स्ट वाला LED है, जब मैं इसे एसी सप्लाई दूंगा, मान लीजिए इसमें बैटरी जो कनेक्शन है, अगर आप एसी सप्लाई देते हैं तो बैटरी ये चार्ज होगा। इसमें आपको बैटरी चार्ज भी करने के लिए आपको देखिए ये IC वगैरह लगा हुआ है और ये जो मिडिल वाला पॉइंट, देखिए ये मिडिल वाला जो LED है, ये बीच वाला LED, जब इन्वर्टर ऑन होगा तब ये LED ग्लो करेगा। और दोस्तों, अगर मान लीजिए ओवरलोडिंग या बैटरी चार्ज थोड़ा कम रहता है, अगर फॉल्ट रहता है कोई भी, तब ये LED ग्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया इसका बैटरी 12 वोल्ट बैटरी इनपुट के लिए, ये ऑन ऑफ स्विच के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट आउटपुट होगा, यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज आउटपुट होगा। और ये जो है, इसमें आपको सोलर, अगर सोलर पैनल से आपको डीसी इनपुट देना है, ठीक है, ये सोलर के लिए ये इनपुट है। और ये जो 3 वाला वायर है, इसी से आपको लोडिंग और चार्जिंग के लिए कनेक्शन करना है। ये किस तरह से कनेक्शन होता वो आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई के लिए आपको इस तरह से कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, सप्लाई के लिए आपको एक ब्लैक वायर आपको इसके साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, और दूसरा जो वायर है आपको ये रेड वाले के साथ कनेक्शन करना है। ये आपको रेड वाले के साथ कनेक्शन करना है। ये जो बीच वाला वायर है, देखिए ये जो रिले के साथ ये जो बीच वाला वायर है, ये इसका लोडिंग वायर है। ये किस तरह से कनेक्शन होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ये वायर आपको एक ब्लैक वायर आपके एसी इनपुट के लिए और रेड वाला वायर जो कि कॉमन है, ये आप मान लीजिए एक न्यूट्रल है, इसे आपको इस कनेक्शन करना है। और आपको इस तरह से एक होल्डर लेना है। देखिए, मैं इस तरह से एक होल्डर लेता हूँ। देखिए, आपको एक वायर होल्डर का एक वायर आपको न्यूट्रल के साथ कनेक्शन करना है। ये जो रेड वाला वायर है ये न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल के साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, और ये जो रेड वाला वायर है ये आपको, ये जो बीच वाला वायर है, इस लोडिंग के साथ आपको इस तरह से कनेक्शन करना है।
मैं आपको इसका कनेक्शन फिर से बता रहा हूँ। देखिए, आपको ये जो ब्लैक वाला वायर है ये एसी इनपुट के लिए, और ये जो रेड वाला है ये न्यूट्रल है। आप ये जो रेड वाला है ये न्यूट्रल है, आपको एक इनपुट के लिए और होल्डर के लिए आपको न्यूट्रल देना है, और जो बीच वाला है ये हो गया इसका लोडिंग के लिए। ठीक है, मैं इसे आपको ये जो कनेक्शन है आपको टेप से मोड़ लेना है, इससे आपको शॉर्ट लगने का खतरा रहता है। आप इसे टेप से अच्छे से मोड़ दीजिएगा। देखिए इस किट का मैं फुल कनेक्शन कर दिया हूँ, और इसे मैं सप्लाई देके भी आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो आपको बैटरी कहाँ कनेक्शन करना है, देखिए ये जो दो वायर है यहीं पे आपको इस तरह का आपको एक 12 वोल्ट बैटरी लेना है। देखिए रेड को आपको प्लस प्लस के साथ, और ये जो नेगेटिव आपको नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह का एक बल्ब लेना है, ये 9 वाट का बल्ब है। और देखिए अब मैं इसे एसी सप्लाई देता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, मैं इसे देखिए, जब भी मैं इसे इस इन्वर्टर किट को ऑन करता हूँ तो ये जो मिडिल वाला एलईडी है देखिए ये ग्लो कर रहा है। देखिए मिड एलईडी ग्लो कर रहा है। मेरा बैटरी थोड़ा चार्ज कम है इसीलिए ये जो एलईडी है ये थोड़ा सा देखिए कुछ देर जलने के बाद देखिए ये एलईडी थोड़ा सा ब्लिंक, ये बंद। इसका मतलब मेरा जो एलईडी जो है इसका मतलब जो मेरा बैटरी है वो चार्ज थोड़ा कम है बता रहा है। तो मैं इसे आपको सप्लाई देके बता रहा हूँ। देखिए आप देखिए दोस्तों, मैं इसे एसी सप्लाई दे रहा हूँ, और देखिए ये जो पहला वाला जो इंडिकेटर है ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों कुछ देर बैटरी को चार्ज देने के बाद देखिए कितना अच्छा सा ये किट काम कर रहा है। आप इस किट को परचेज करना चाहते हो तो आपको बाज़ार में ये सस्ती में मिलेगी। ये किट को मुझे 270 रुपये में मुझे मिला। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करोगे तो ये आपको महंगा मिलेगा। कोशिश कीजिएगा आप लोकल मार्केट से ख़रीदने के लिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप इस किट को घर में यूज़ कर सकते हो एज ए इन्वर्टर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।